ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा ये टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअल में है क्या। बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है इस जर्नी के बारे में। कुछ लोग इस जर्नी पर न्यू हैं, उनके मन में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं इस जर्नी को लेकर, और जो इस जर्नी पर पुराने हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं इस जर्नी को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी, शायद आप लोगों को समझा पाऊँ कि एक्चुअल में ट्विन जर्नी है क्या। जो ये जर्नी हमें मिली है ये क्या है और क्यों मिली है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि ट्विन्स होते क्या हैं, ट्विन फ्लेम्स क्या है। ट्विन फ्लेम्स वो फ्लेम्स हैं जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती हैं। समझे दोस्तों, खुद जलकर दूसरों को रोशनी देना ट्विन फ्लेम्स का काम है। एक सोल है जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई है यूनिवर्स से, दो बॉडीज में इनकार्नेट होती है इस 3D वर्ल्ड में। कहीं ना कहीं आप लोग अपने ट्विन से मिलते हैं, वही सब बबल फेस, सेपरेशन, सब कुछ होता है आपकी लाइफ में। आप लोगों को रियलाइज़ होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो हम लोगों के बीच में है, देन आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो ये जो जर्नी है एक्चुअली है क्या। ये जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, हमें डिवाइन से मिलाने की जर्नी है, हमें खुद के अंदर जाना है, अपनी सेल्फ की जर्नी है, अपने अंदर की यात्रा पर निकलना है हमें। ट्विन फ्लेम में आप अगर डीएम की तरफ ही आपकी सारी स्टोरी घूम रही है कि डीएम कब आएगा, डीएम क्या कर रहा है, अगर डीएम को एनर्जी क्या करनी है, अगर आपकी ये सारी स्टोरी डीएम के ही इर्द गिर्द घूम रही है तो आप लोग अपनी ही जर्नी को डिले करते जा रहे हैं। ये जर्नी खुद की जर्नी है, आपको अपने अंदर की यात्रा पर निकलना है। माँ पार्वती ने तपस्या की थी खुद की जर्नी पर, अपनी अंतर यात्रा पर जब वो निकली थी। उन्हें उनके डीएम सदाशिव तो मिले ही मिले थे, लेकिन साथ ही उनको जो शक्तियाँ थी उनकी, जो बहुत उनको अपने शक्ति स्वरूप का ज्ञान हुआ था कि दुर्गा हैं वो, महाकाली हैं वो, उनको अपने उन सभी स्वरूपों का ज्ञान हुआ था इस जर्नी से, इस अंतर यात्रा से जो तपस्या उन्होंने की थी। ठीक है, तो ये यही जर्नी है हमारी कि हमें अंतर यात्रा पर निकलना है। हर एक ट्विन फ्लेम जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है जो आप लोग शायद दबा कर बैठे हैं, आप लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जब हम अपनी अंतर यात्रा पर निकलते हैं तो हमें अपनी अंदर की जो पावर्स हैं, हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, वो हमें रियलाइज़ होने लगते हैं, हमें मिलते हैं वो। तो अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए। जब आप अपने अंदर खुद को पहचान लेंगे, ये पर्पस को जान लेंगे कि आपका इस अर्थ पर आने का पर्पस है क्या, आप क्यों आए हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका काम है यहाँ आने का, आप अपने ट्विन के साथ आए हैं, क्यों आए हैं इसका पता लगाना है आपको। आपकी अवेकनिंग हुई है, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं ना दिमाग में कि क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस क्यों का जवाब आपके ही अंदर है, आपकी ही सोल है आपका गुरु। अपनी सोल से पूछिए, आपको सारे जवाब मिलेंगे। बाहर कोई भी गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी अपनी सोल को सुनना सीखिए दोस्तों। ये जर्नी है अपनी ही सोल से मिलने की, खुद को जानने की। जब आप अपनी सोल से मिलते हैं तब जाके आपको रियलाइज़ होता है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं और हम क्यों आए हैं यहाँ पे। ये सारे जवाब हमें मिल जाते हैं। और ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है दोस्तों। ट्विन फ्लेम्स के अंदर वो जज्बा होता है, वो लाइट होती है कि वो दूसरों को रोशनी दिखा सकते हैं। बॉर्न हीलर्स क्यों कहा जाता है ट्विन फ्लेम्स को, क्योंकि उनके अंदर वो पावर होती है। सबके अंदर, हर एक ट्विन फ्लेम के अंदर वो पावर है, लेकिन ज़रूरत है उस पावर को पहचानने की। जब तक आप खुद उस पावर से नहीं मिलेंगे तो आप दूसरों को कैसे रोशनी दिखा सकते हैं।
तो ये जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी की तरह लीजिए। पहले देखिए कि आपको कितने सारी ऐसी शक्तियाँ मिली हुई हैं जिन्हें हमें जानना है। डीएम तो हमारा ही है, हमारे पास ही आएगा, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स क्यों बोला जाता है कि बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि कभी थकते नहीं हैं, कभी हारते नहीं हैं, ना कभी हालातों से, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ट्विन फ्लेम्स को तोड़ सके। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी लाइफ में, बहुत से अप एंड डाउन्स होते हैं, रोलर कोस्टर जैसी उनकी जर्नी होती है, लेकिन फिर भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो कभी भी टूटते नहीं हैं, कभी भी हारते नहीं हैं। थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, रेस्ट लेते हैं, लेकिन फिर से राइज होते हैं। जैसे आपने फीनिक्स बर्ड सुना होगा, ठीक है, पूरी तरह से जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो जो एशिज होती हैं उससे वो दोबारा से राइज कर देता है। उन एशिज से जब वो दोबारा से राइज करता है तो वो उसी तरह से ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बिल्कुल टूट जाने के बाद भी वो फिर से खड़े होते हैं, फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। उनके अंदर ऐसी चिंगारी होती है हमेशा से, ये ज़रूरत है उसे पहचानने की। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्पिरिचुअल जर्नी है। 3D वे से आप सोच रहे हैं कि हमारा DN से मैरिज होगी, यूनियन होगा, तो क्या शादी होगी, वो क्या 3D पर्सन हमारे पास आएगा या नहीं आएगा। अगर इस डिज़ायर्स में ही फंसे हैं तो आप लोग अभी भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं इस जर्नी पर, ठीक है। ये जर्नी होती है सेल्फ की जर्नी, सोल की जर्नी। वो सोल से हमें यूनाइट होना है। 5D में हम ऑलरेडी यूनाइटेड हैं, 3D में हमें इसलिए सेपरेशन मिला है ताकि हम जो हमारी छुपी हुई शक्तियां हैं उसे पहचान सकें, उन पावर्स को हम लोग बाहर ला सकें। हमारी ही सोल ग्रोथ की जर्नी है। आपको करना क्या है, सिर्फ यूनिवर्स को सरेंडर करना है अपनी इस जर्नी को। जब आपको पता है कि अगर आपको लगता है, ठीक है, क्योंकि आपकी सोल ही आपको बताएगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है। बाहर से आप कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी कोई भी बोलता है, ठीक है, लेकिन जो आपकी सोल आपको गाइडेंस देती है वो आपको आगे तक लेकर जाएगी। तो हमेशा अपनी सोल से जुड़ना सीखिए, उसकी सुनिए, वही आपको आगे का रास्ता दिखाएगी, ठीक है। धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं। मैं जानती हूँ कि जर्नी के स्टार्टिंग में बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं, सबके माइंड में होती हैं, मेरे भी माइंड में थी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे कन्फ्यूजन्स दूर होती हैं, हम यूनिवर्स को जब सब कुछ सरेंडर कर ही दिया है तो हमें उन पर ट्रस्ट भी रखना है, ठीक है। फिर हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि क्यों होगा, कैसे होगा यूनियन, वो कहीं और है तो हमारा यूनियन कैसे होगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस नहीं रखने हैं हमें अपने माइंड में। हमने अपनी जर्नी को सरेंडर कर दिया, खुद को सरेंडर कर दिया, अपनी पूरी लाइफ को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, तो अब हमारे दिमाग में किसी तरह का कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका मतलब हम यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोग यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हैं, अपनी जर्नी को सरेंडर कर चुके हैं, तो आप खुद की इस जर्नी पर निकलिए, अपने अंतर यात्रा की जर्नी पर निकलिए। आपको इस जर्नी को कंप्लीट करने पर आपका DM भी आपके सामने ही खड़ा मिलेगा, और जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो तो आपको मिलने ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इन सारी कन्फ्यूजन से बाहर आइए, आप अपने अंदर झांकिए और पहचानिए खुद को कि आप क्या हैं, एक शक्ति हैं आप खुद में, ठीक है। तो जितने भी पेन सफरिंग्स आज आपको मिल रही है वो आपकी ही बेटरमेंट के लिए, ताकि आप अपने अंदर की छुपी हुई पावर्स को निकाल सकें बाहर। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी और गाइडेंस मिली होगी इससे काफ़ी लोगों को। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।